लला लला रोटी, अब ये दुपट्टा हमें दे दो, ये खेलने की चीज नहीं है। राज, लला को आइसक्रीम खिला कर ले आओ। मुझे आइसक्रीम नहीं खानी है। चलो लला ठाकुर, तुमको बर्गर पिज्जा मोमो सब खिलाएंगे, चलो हमारे साथ। शुक्ला जी, फिलहाल ये सैंपल है हमारे पास, अगर आपको पसंद आया तो ठीक, नहीं तो हम इसे हमारे दिल्ली या फिर मुंबई के ऑर्डर्स में डलवा देंगे। अरे नहीं नहीं कैलाशी ठकुराइन, कैसी बात कर रही है? अरे कितने दिनों के बाद तो हमने इस 16 श्रृंगार की पुरानी वाली धार देखी है। क्या डिजाइन है, क्या कारीगरी है, बस एक बार इस कारीगर से हमें मिलवा दीजिए। कसम गंगा मैया की, करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट आपका होगा। वो क्या है ना शुक्ला जी, वो कारीगर बाहर गया हुआ है, 2-3 दिन में आ जाएगा, उसके बाद मिल लीजिएगा आप उनसे। ठीक जी, अच्छा तो हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्कार। किसका है ये दुपट्टा? माम। अरे दादी, ये तो उसी चोरनी का है जो हमारे घर पे आई थी। कहाँ है वो लड़की? संकट मैया, फिर से एक बार इस गंगा को लोही से मिला दे। जमीन आसमान एक करो, जाओ जाकर ढूंढो उस लड़की को, और साथ साथ ये भी पता लगाओ कौन है वो कारीगर जिसने ये दुपट्टा बनाया। ठीक है मामा, मैं पता लगाता हूँ। देखा मां, जिस लड़की को आपने इस घर की चौखट से बाहर फेंकवाया था, अब उसी को इस घर की चौखट के अंदर फिर से लाने के लिए आप जमीन आसमान एक करने जा रही हैं। लड़की कहाँ है? लड़की? अरे मतलब ये कचरे का डब्बा कहाँ है? सर डब्बा तो वो पड़ा है, लेकिन कूड़ा वो कूड़ा गाड़ी ले गई। कहाँ? वो घाट है ना पुल के नीचे वाला, वहां पे वो कूड़े को ले जाकर जला देते हैं। चला रहे थे? अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो मां हमको नहीं छोड़ेगी। मैंने कहा रुक जाओ, क्या कर रहे हो? रुक जाओ, रुको, कोई बचाओ, बच्ची है कचरे में, उसे आग में मत डालो, रुक जाओ, रुको, रुक जाओ। डोरी,
बच्चा लोरी। डोरी डोरी ए डोरी ए डोरी आके बोल डोरी ए मैं पानी लाओ कोई है डोरी ए हम लोगों को अक्कल नहीं है ये क्या किया जी मेरी बेटी को बोरे में बांधकर कूड़े में डाल दिया समझ में नहीं आया अंदर बच्ची है हाँ डोरी 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 बेटा चल ए पानी है पानी पानी लाओ कोई डोरी डोरी डोरी, डोरी, ए, ए बच्चा, आगे खोल। डोरी, डोरी, ए मेरी बच्ची, ए डोरी, ए गुड़ी आगे खोल, डोरी आगे खोल, डोरी, डोरी, ए डोरी, ए बच्चा, ए, ए, ए मेरी गुड़िया, आगे खोल ना डोरी, ए, डोरी आगे खोल, डोरी बाबा को जितना डांटना डांट ले पर ऐसे आंखें बंद करके बाबा को सजा मत दे डोरी, डोरी डोरी आगे खोल बेटा, ए बच्चा, ए, ए, ए मेरी गुड़िया, आगे खोल ना डोरी, ए, डोरी आगे खोल, आगे खोल ना डोरी, ए ए, कोई बचाओ ए, कोई है गंगा भैया आप कुछ कीजिए मेरी बच्ची को बचाओ डोरी 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 आके खोल गंगा भैया भैया मेरी बच्ची को बचा ले माँ मेरी बच्ची को बचा ले माँ तू ऐसे मेरी बच्ची को मुझसे नहीं छीन सकती मेरी डोरी को अगर मेरी डोरी होश में नहीं आई तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा गंगा भैया भैया मेरी बच्ची को बचा ले माँ मेरी बच्ची को बचा ले डोरी 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 उठ डोरी कोई है अब मेरी बच्ची को बचा डोरी हे संकटा मैया इतने सालों में मैंने जितने व्रत उपवास किए हैं वो अगर सच्चे थे तो उनका फल इस बच्ची को दे दो इसे जीवन दे दो मैया तो थी बेचारी आग में गिर गई थी वो तो जलने ही वाली थी पर उसके बाबा ने उसको बचा लिया अभी कहाँ है दोनों अभी दोनों शायद गाय घाट की तरफ गए हैं बहुत दर्द हो रहा है किसी भी कारण बुकिंग कैंसिल करने पर पूरा पैसा रिफंड जोर से झेलो चक्रम अगर एक भी बूंद गिरी ना हमारे पसीने की तो 80 घाट पे 80 बाल्टियां भरवाएंगे हम तुमसे आप तो सीरियस हो गए पूरा लीजिए कितनी गर्मी है यहाँ पे चुटकियों में भाग जाएगी गर्मी जब खाएगा मेरा वंशु दही जलेबी जलेबी आओगे लो और तुम भी लो दाईजी आप एसी क्यों नहीं लगवा लेते दादी से बोल के लगवाओ क्या नहीं वंश दादी से कुछ मत कहना हमें एसी नहीं चाहिए मगर क्यों जब हम एक ही परिवार के हैं
तो दादी इस घर में एसी क्यों नहीं लगवा सकती? मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता, जब मैं राज चाची के पास जाता हूँ तब दादी गुस्सा नहीं होती, और जब यहाँ आते हैं तो दादी नाराज क्यों होती है? अभी आप छोटे हो, नहीं समझोगे। मैं छोटा नहीं हूँ, मैं सब समझता हूँ। हाँ, मतलब आप बड़े हैं, समझते हो वाला हूँ। आपने देखा मंजली बहू को? मैंने उनको कितनी बार बोला वो लड़की चोरनी है, झूठी है, झूठी है, और उसने मेरे हाथ पे काटा भी है, लेकिन उनको सिर्फ उस लड़की की पड़ी है। ऐसा लगता है वो लड़की उनकी बेटी है। वंश, मंजली बहू तुम्हारी माँ है, तुम उन्हें माँ बोला करो। नहीं, मैंने मंजली बहू ही बोलूंगा। वंश, लल्ला लल्ला, चलो मैं ताई जी चलता हूँ, बाय। अरे वंशु, एक दो जलेबियां लेते जा, हाथ में खाते खाते जा। लल्ला लल्ला, चलो 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 चक्रम। हाँ, सीढ़ी पे गिर जाएंगे तब। मुंह पोछो। क्या लग गया हमारे मुंह को? अरे मेरा मुंह पोछने पे। सॉरी सॉरी, नहीं दिमाग में काम। दादी को पता नहीं लगना चाहिए कि हम ताई जी के रूम में थे, समझे? हम क्यों बताएंगे, हमको डांटे तो आप बचा लीजिएगा। है लल्ला ठाकुर। मुझे छोड़ के क्यों चली गई? हाँ, तुझे अपने बाबा का ख्याल नहीं आया? आप परेशान ना हो इसलिए तो गई थी। नानी ने बोला मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, अगर मैं आपके आसपास रही तो आप भगवान श्री के पास चले जाएंगे। नानी ने कहा और तूने मान लिया? तो और क्या करती, चिल्ला चिल्ला कर पूरा मोहल्ला सर पे खड़ा कर देती, नानी की खटिया खड़ी कर देती, ऐसी की तैसी कर देती, पर मुझे छोड़ के क्यों गई? तो क्या दान है तो नानी चाहे किसी को भी दे देगी। हाँ, तू तो गंगा जी का वरदान है इस गंगा प्रसाद को। पता है बेटी की उंगली पकड़कर बाबा उसे चलना सिखाते, पर तेरी उंगली पकड़कर मैं चलना सिखाऊं? अरे मैं तो सोता भी इसलिए हूं क्योंकि मैं तेरे लिए सपने बुन सकूं। जानती है ना कि सपने में भी अगर तुम मुझसे दूर हो जाए तो नींद में भी मेरे आंसू निकल आते, और तुम मुझे छोड़ के चली गई। बाबा और डोरी, जैसे जलेबी और कचोरी। जैसे आसमान और तारे, ये प्यार की डोर है, कभी नहीं टूटेगी। मेरा वादा है तुझसे, मैं तुझसे कभी नहीं रूठूंगा। मैं भी आपसे कभी नहीं रूठूंगी। एक बात बताऊं बाबा, मंदिर वाली आंटी कह रही थी आप मेरे यशोदा माँ और मैं आपका काना। डोरी। हाँ? मुझसे वादा कर तू मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। वादा, बाबा और डोरी की डोरी कभी नहीं टूटेगी। आजा। डोरी, एक बात बताऊं? क्या? तेरी वजह से कल रात से नानी के दांत नहीं मिल रहे। हाँ, मेरी वजह से? मैंने तो नानी के दांत नहीं छुपाए, सच्ची। छुपाए तो मैंने ही है, उन्होंने तुझे डांटा था ना, इसलिए कह रहे हो मेरी वजह से। हाँ। चल।
बार तो हमने इस 16 श्रृंगार की पुरानी वाली धार देखी है। क्या कारीगरी है, बस एक बार इस कारीगर से हमें मिलवा दीजिए। करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट आपका। आनंद, इस बच्ची को उठाकर बाहर फेंकवा देना। ए डोरी, क्या हुआ, क्यों छुप रही है? उन्होंने मुझे कचरे के ढेर में फेंका। वो बहुत बहुत बुरे हैं। डोरी, हमें आपसे बात करनी है बेटा। इन्होंने तुझे कचरे में फेंका था? मेरे पास आओ, आओ डोरी। दूर रहो मेरी डोरी से, पास मत आना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डोरी को कूड़े में फेंकने की? दोबारा पास आए ना तो मैं जान ले लूंगा जी, तुम्हारी जान ले लूंगा। देखिए, बच्ची को कोई गलत फहमी हुई है। एक बच्चे को चोट पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता। नहीं, उन्होंने ही मुझे फेंका है। थोड़ी बेटा सुनो, मैंने कहा ना तू रहना। अरे एक कदम भी आगे बढ़ाए ना तो सही गलत का फर्क भूल जाएगा गंगा प्रसाद। तू इंसानों की जानवर हो, मेरी डोरी को कूड़े में फेंक दिया। अगर इसे कुछ हो जाता तो, अगर ये मेरी डोरी मर जाती तो क्या होता? अब जाओ यहां से, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जाओ अर्णव। अर्णव, अर्णव, गंगा शांत है तो जल है जी, अगर गुस्सा है तो परलय है, परलय है, परलय है, परलय है, परलय है। जाओ। देखिए भाई साहब, हम कह रहे हैं ना कि कोई गलत फहमी हुई है। अरे मैं भी एक बाप हूँ, एक बच्चे को चोट पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता मैं। अच्छा आप ही सोचिए कि मैं इसको ढूंढते हुए इतनी दूर क्यों आता, ये दुपट्टा लौटाने के लिए। मेरा दुपट्टा आपके पास कैसे? मेरे बाबा ने मेरे लिए बनाया है। तुम्हारे बाबा ने, मतलब इन्होंने? हाँ। मतलब आप हैं वो खास कारीगर? देखिए हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है जी, आप जाइए जी। चल डोरी। अरे मेरी बात तो सुनिए। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये इस दुपट्टे का काम बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए काम करो। अच्छे पैसे होंगे, बिटिया की जिंदगी सुधर। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप जाइए यहाँ से, जाइए। इस गंगा को हमारे लिए काम करने के लिए मनाना पड़ेगा, वरना माँ हमारी जान ले लेंगी।